हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के उभरते हुए यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज है आप सभी के लिए डाउट सेशन। क्या है दोस्तों? आज है डाउट सेशन एनबीई को लेकर, डाउट सेशन फॉर एनबीई। दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूँ एक चीज, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना? ये डाउट सेशन मान लीजिए, ठीक है ना? और डाउट्स को लेने वाले हैं बहुत सारे बच्चे, डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो उन सारे डाउट्स को मैं लेने वाला हूँ। जो भी ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, उसके ऊपर दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? पहला क्वेश्चन ये दोस्तों स्टूडेंट्स लोग पूछ रहे हैं, टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, ठीक है ना? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि एग्जाम 31 अगस्त को होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है? एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में होगा, ये भी क्वेश्चन डाउट ही में, ठीक है ना? और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों ये 1, 2, 3 ये ज्यादातर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश वाला जो है दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो इन्हीं तीन जो है पॉइंट पर आज मैं बात करने वाला हूँ, इन्हीं तीन पॉइंट पर मैं क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये तीन पॉइंट ऐसे है ना जो हर एक बच्चे के, हर एक स्टूडेंट के माइंड में चल रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के माइंड में चल रहे हैं कि सर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वही हम, मैं प्रेजेंट टाइम में केवल ये तीन मुद्दों पर बात करने वाला, तीन पॉइंट पर बात करने वाला, ठीक है दोस्तों? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर एनबी से रिलेटेड सारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए पहला, यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश जो आपका एग्जाम आएगा वो दोस्तों हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? तो एक बात आप सभी लोग समझिए दोस्तों, इसका खेल समझिए। मॉक टेस्ट में दोस्तों क्या था, मॉक टेस्ट में ना, मॉक टेस्ट में जो है इंग्लिश में पेपर था, ठीक है ना? लेकिन अभी तक जो टीसीएस पेपर कराती है, वो जो टीसीएस के पेपर होता है वो बोथ लैंग्वेज में होता है। किसमें होता है दोस्तों? बोथ लैंग्वेज में होता है। ये चीज यहाँ पे नहीं तो ये बहुत लोग कमेंट करने लगेंगे, ठीक है, कि स्पेलिंग गलत है। तो टीसीएस पेपर कराती बोथ लैंग्वेज में, लेकिन अभी ऑफिशियल डाटा ये नहीं है कि पेपर होगा किसमें। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जो मॉक टेस्ट से बच्चे डर रहे हैं, जो उसमें दिया है बायोलॉजी सेशन ना, तो दोस्तों नीट नीट वगैरह के लिए दिया हुआ वो मॉक टेस्ट, ठीक है ना? वो मॉक टेस्ट आपके लिए नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों ये कभी अभी तक संभव ही नहीं हुआ कि सिलेबस कुछ और दे, मॉक टेस्ट कुछ और दे, ठीक है? तो आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करिए, और मॉक टेस्ट में क्या दिया बायोलॉजी उससे मतलब मत, उससे वो मत करिए। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा ये थोड़ा सा फोकस करना होगा कि बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा हम टाइम दें, ठीक है दोस्तों? क्योंकि अगर बायोलॉजी आ भी गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, ज्यादा बायोलॉजी पर फोकस करना, और इंग्लिश का वर्ड बायोलॉजी में ज्यादा होता है, थोड़ा उस टर्म पर भी आप लोग क्या करिएगा, फोकस करिएगा, ठीक है ना? और जिन्हें मॉक टेस्ट लेना हो दोस्तों, मॉक टेस्ट ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, इस नंबर पर कॉल करके मॉक टेस्ट फटाफट ले लीजिए, अभी 199 का ऑफर है। अब यहाँ पे ये तो खत्म हो गया। अगर दोस्तों देखिए, हिंदी में आया तब भी, इंग्लिश में आया तब भी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक बात है, दोनों लैंग्वेज के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम 31 अगस्त को होगा कि नहीं होगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम ये होगा या नहीं, कितने परसेंट चांस है? दोस्तों मेरा जो परसेंट है ना, वो मैं 90% मानकर चल रहा हूँ कि एग्जाम जो है दोस्तों 31 को ही होगा। हाँ, 10% मेरा मानना कि नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों? ये भी बात है, अगर एग्जाम मान लीजिए पोस्टपोन हुआ, तो ये मत कहेगा सर ने बताया था कि मतलब होगा नहीं हुआ। दोस्तों 10% रखा हूँ ना कि 10% चांस है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। दोस्तों यहाँ 90% बात ये है, क्योंकि अभी देखिए कल मैं चूंकि यूपी से हूँ, ठीक है ना? अभी यूपी बीएड का जो है एग्जाम जो है ना, एकदम पूरा का पूरा जो है करा दिया गया। और दोस्तों एनबीई से ज्यादा ही फॉर्म यूपी बीएड में थे, ठीक है ना? एनबीई से ज्यादा फॉर्म बीएड में था, और उसका एग्जाम दोस्तों बाकायदा हो चुका है, ठीक है? तो बीईओ का पेपर 16 अगस्त को होना, वो भी हो जाएगा, ठीक है? तो मैं और यहाँ पे एग्जाम की बात है, तो एग्जाम 90% चांस है होगा, इसलिए दोस्तों, क्योंकि देखिए कभी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, एग्जाम 31 अगस्त को होना ही है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ये ओपी नहीं है, पूरे सेंट्रल का है। सही बात है भाई, पूरे सेंट्रल का है, मान सकता हूँ, गलत नहीं आपकी जा, लेकिन इसका भी सेंटर काफी दूर दूर गया था। तो मैं इस तर्ज पर कह रहा हूँ कि दोस्तों इसका एग्जाम हो सकता है। और दोस्तों चूंकि सेंटर आपको पता है, सेंटर आपका देगा तो वहां पे कहीं ना कहीं जाना रहेगा, और बहुत जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है। अब ये भी करना चाहिए, कुछ डेट को एक्सटेंड कर देना चाहिए, अगर एक्सटेंड हो जाता तो और सही रहता, बच्चों को थोड़ा तैयारी करने का मौका भी मिल जाता, और थोड़ा सा कोरोना वायरस का खतरा भी कम रहता। लेकिन दोस्तों मैं नहीं ना कुछ कर सकता हूँ, एग्जाम डेट होगा तो होगा, उसे मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। अगर पोस्टपोन होगा, न्यूज आएगी तो मैं उस वो न्यूज तो दूंगा ही, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट टाइम में डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। दोस्तों इन जो है बहुत सारे जो डिमोटिवेट करने वाले हैं ना, वो अपने भी डिमोटिवेट होते हैं और तुमको भी डिमोटिवेट करते हैं अपने साथ साथ ना। हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। बहुत सारे बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ही जाकर, लेकिन आप उन सभी के बातों में ना, आप 31 अगस्त की तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे दोस्तों, मैंने देखा कि यार यहाँ पर पढ़ने से क्या होगा इनके पास। एक बात आप लोग समझ लीजिए, एनबी का मतलब उन बच्चों का ये कहना था सर टफ लेवल ज्यादा नहीं कराते हैं पेपर, मतलब जो मैथ्स का कराते हैं टफ लेवल ज्यादा नहीं कराते हैं। दोस्तों मैं उसी लेवल का कराता हूँ जिस लेवल तक टीसीएस प्रश्न को पूछती है, ठीक है ना। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं लॉन्च है 2000 का या 4000 का कि मैं टफ क्वेश्चंस कराऊं और बच्चे मेरे से जुड़े। दोस्तों टफ क्वेश्चन अगर आप 50 पढ़ कर जाओगे, ओनली एक दो एग्जाम में फंसेगा, उससे ज्यादा नहीं फंसता, ये मैं जानता हूँ दोस्तों। आपको बेसिक और प्लस जो उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए, और मॉडरेट लेवल तक का क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ज्यादा टफ नहीं कराता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें आपका भी माइंड खराब होगा और मेरा भी माइंड खराब होगा, और प्लस हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। जब ज्यादा टाइम रहेगा आपका एनबीई का पेपर हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा बैच स्टार्ट करूंगा टफ लेवल क्वेश्चन का, उसके बाद देखिएगा कि मतलब क्या कर सकता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। अब आते हैं टोटल फॉर्म की। तो दोस्तों टोटल फॉर्म के लिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि टोटल फॉर्म दोस्तों कितने भरे गए हैं, ठीक है। अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने टोटल फॉर्म को लेकर दोस्तों वीडियो नहीं बनाई है, और चूंकि अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरे से टोटल फॉर्म कितने भरे हुए दोस्तों, तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ यही बात बताऊंगा दोस्तों कि आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान रखिए, ठीक है ना। किस पर ध्यान रखिए? प्रिपरेशन पर। और ये बार बार कमेंट मत करिए दोस्तों कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। दोस्तों जो भी मुझे न्यूज मिलेगी, ठीक है दोस्तों, जो भी मुझे न्यूज मिलेगी ना, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, पहले वीडियो में बना दूंगा दोस्तों कि इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। और एक मैंने जो है सर्वे कराया अपने यूट्यूब चैनल पर, तो देख लीजिए कितने परसेंट ने कहा 1 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे, और कितने परसेंट ने कहा कि 1 लाख से नीचे फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है ना। आप वो डाटा देख लीजिए। फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल पर सर्वे कराया था, जिसमें से 250 के आसपास बच्चे जो भाग लिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास कोई न्यूज हो तो हमें जरूर बताइए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आरटीआई डाल दीजिए, ये भी कहेंगे कि सर आरटीआई डालकर पता कर लीजिए कि कितने फॉर्म जो फिलअप हुए, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन दोस्तों इसमें भी तो टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आरटीआई डाला बस 2 ही मिनट के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर जो है हमें मिल जाएगा कि कितने फॉर्म को फिलअप हुए हैं, ठीक है। 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, 20 दिन लग सकता है, ठीक है, 30 दिन लग सकता है। तो यार क्या हम उसी आरटीआई के पीछे लगे रहे? हमें अपनी तैयारी नहीं करनी है क्या? हमें एग्जाम नहीं देना है क्या कि हम आरटीआई के पीछे लगे हुए हैं? कितने हम पता लगाएं क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन आएगा क्या आपके एग्जाम में कि पता लगाओ कितने लगभग फॉर्म भरे फिलअप हो चुके हैं? दोस्तों इन सब बातों से आप लोग दूर रहिए, ठीक है ना। अभी तक तो आप फॉर्म को फिलअप को लेकर टेंशन में थे, ठीक है, ये टेंशन में थे। अब ये टेंशन में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो फॉर्म फिलअप हुए हैं तो कम होगा या अधिक होगा, तो आप क्या करेंगे उसमें? कुछ कर सकते हैं क्या यार? ओनली प्रिपरेशन पर फोकस करो और एक जॉब लेने का प्रयास करो, टोटल फॉर्म वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, कम फॉर्म है। अब कुछ ये अनुमान बता देता हूँ कि लगभग 1.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए, ये मेरा दोस्तों मेरा अनुमान है, ठीक है ना। ये मेरा जो है अनुमान है कि 1.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं, ये अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अनुमान बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं। और जो भी ऑफिशियल डाटा आता है ना, तो मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन 1.5 लाख से है, ठीक है ना। अगर हम 1.5, अब देखिए आप अपना बुरा भाग कर लीजिएगा, ये मान के चलिए 1.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए नियर अबाउट। और अगर कोई ऑफिशियल न्यूज आती है ना, तो मैं जरूर आप सभी को बताऊंगा। और ये आरटीआई ये सब के चक्कर छोड़ दो यार, नहीं तो कई लोग आरटीआई के ये वो, यार पढ़ने पर ध्यान दो ना। ये टोटल फॉर्म क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। आप पढ़िए, और जो भी मॉक टेस्ट नहीं लिए ना, मॉक टेस्ट को आप सभी लोग जरूर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। 2 मॉक टेस्ट हो चुका है, और तीसरे मॉक टेस्ट के लिए सिलेबस बता दिया, अब सिलेबस वाइज मॉक टेस्ट होगा। 3-4 चैप्टर मैथ का, 3-4 चैप्टर इंग्लिश का, इस तरीके से मॉक टेस्ट अब जो है प्लान किया गया है, ताकि बच्चे उतना पढ़कर आए और उतने में आपका सिलेक्शन के लिए मतलब हम अपने तरफ से दोस्तों प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 7 बजे और रात 10 बजे, ये 4 क्लासेस आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की कंटिन्यू चल रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वाचिंग, और बस आप लोग अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दे रही है, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप अपने प्रिपरेशन पर नहीं ध्यान देते हैं, तो अपने बेटा पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है ना। बस थैंक्स।